इस बाबरकत शब के दामन में इतनी बरकतें और इतनी रहमतें हैं कि अल्लाह जल्ला शाहू गुनागारों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देता है मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तह फरमाती हैं एक दिन मैं देखा कि हुजूर मेरे हुजरा में नहीं हैं तो मैं हजूर को तलाश करने निकली बकी में आसमान की तरफ सर उठाए हुजूर अल्लाह से अल्तजाएँ कर रहे थे मुझे देखा तो एर फरमाया, आयशा क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज़्यादती करेगा फरमाती है मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये समझा शायद आप किसी जोजा मोहतरमा के हजरा में तशरीफ़ ले गए हैं फरमाया आज लतफ मिन शाबान शाबान की पंद्रहवीं रात है दरमिया शब है इस रात को अल्लाह तला शाह हु आसमानी दुनिया पे नजूल इजलाल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है कबीला कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो भेड़ बकरियाँ पालते थे और लाखों की तादाद में उनकी बकरियों और भीड़ों के रेवर थे तो उस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनागारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया जाता है तो ये वो बाबरकत शब रहमत है शब नूर है जिसके दामन में इतनी बरकतें हैं कि कोई महरूम नहीं रहता सिर्फ़ वो बदनसीब लोग जो शिरक में मुबतला हैं जो सख्त कीना परवर हैं जो क़त रहमी करते हैं कात हैं आदि शराबी या बदकार हैं उन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है वरना अल्लाह की रहमतों का अमूम इस बाबरकत रातों में इस कदर होता है कि कोई गुनागार जो उसके हुजूर हाथ दुआ के लिए उठाता है और अपना दामन फैला के उसकी रहमतें मांगता है उसे महरूम नहीं रखा जाता बल्कि अल्लाह सब गुनागारों को जहनम की आग से आज़ाद कर देता है एक रिवायत में आता है कि अल्लाह लेला तु निस मिन शाबान शाबान की पंद्रहवीं रात को आसमान दुनिया पे अपनी रहमतों से जलवा घर होता है और फरमाता है, है कोई रिस्क मांगने वाला मैं उसकी झोलियाँ भर दूँ है कोई मगफरत तलब करने वाला मैं उसके गुना माफ़ कर दूँ है कोई मुझसे आफ़ियत मांगने वाला मैं उसको आफ़ियतों से नवाज दूँ है कोई फ़लाँ चीज़ मांगने वाला है कोई फ़लाँ चीज़ मांगने वाला उसकी रहमतें आवाज़ देती हैं और ये आवाज़ गुरूब आफ्ताब से लेकर के तलुए फजर तक मुसलसल बंदों को दी जाती है और बंदे उसके हजूर अगर दस्ते तलब दारास करें अपनी झोली फैलाएं तो अल्लाह ताला उनको उनके मांगने से भी ज़्यादा अता फरमाता है इस उम्मत को अल्लाह ताला ने इस तरह की रातें दे कर के मफफ़रत बख्श गुफ़रान और रहमतों की फरावानी नसीब की है मेरे हजूर ने शायद फरमाया एक शख्स सुबह से लेकर जोहर तक मजदूरी करता है उसको एक की रात मिलता है एक जहर से लेकर असर तक मजदूरी करता है उसका वक्त थोड़ा है लेकिन उसको भी एक की रात मिलता है और तीसरा शख्स असर से लेकर मगरब तक मजदूरी करता है उसको दो की रात मिलते हैं जबकि उसका वक्त दोनों से कम है फरमाया पहली मिसाल यहूद की है दूसरी मिसाल नसारा की है और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है कि इसको थोड़े अमल पर ज़्यादा सवाब दिया जाता है तो यहूद और नसारा ने इस पर बुरा मनाया तो हजूर आसमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने उनके अजर में तो कमी नहीं की लेकिन मुसलमानों को ज़्यादा अजर दे दिया तो ये उसकी करम नवाजी है तो ये थोड़े वक्त की इबादतें और चंद रातों की बेदारी और मखसूस अवकात में अल्लाह के हजूर इबादत रियाजत एक गुनागार को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है उसके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी बनती है और दराजात की बुलंदी का सबब भी देखिए ललातुल्कदर एक रात हज़ार महीने की इबादतों से बेहतर करार पाती है इसी तरह दीगर मौाक़े हैं कि अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए रखे हैं रहमत रब बहाना मी तलब और यूँ भी पढ़ा गया रहमत रब बहाना मी तलब उसकी रहमतें कीमत नहीं मांगती और उसकी रहमतें बहाना तलाश करती हैं तो वो अपने बंदों को बख्शने पर आमादा है अगर वो अपना दामने तलब फैलाएँ कुरान मजीद में एक मुकाम देखिए कितना दिलाआेज़ है फरमाया माँ यफ अल्लाह हो बे अजाब कुम अल्लाह तुम्हें अजाब देख के क्या करेगा उसकी ये चाहत नहीं है कि तुम्हें अजाब में मुबतला करे उसकी चाहत यह है कि तुम उसकी चौखट पर आओ झुली फैलाओ उससे खैरात और रहमत मांगो और वह तुम्हारे माजी के सारे गुना माफ़ करके सारी गलतियाँ माफ़ करके तुम्हें अपनी रहमतों से मालामाल फरमा दे तो वह बंदों को बख्शने पर बंदों की मगफरत करने पर आमादा है और उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं अल्लाह अकबर और दूसरी जानब उसके बंदे उसके ममलूक उसकी मखलूक और मखलूक की गुनागार और नेकोकार उसकी रहमतों के तालिब होते हैं बल्कि वो गुना करने के बाद जब माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह को ये माफ़ी बहुत पसंद है माफ़ी मांगना उसके हुजूर अपने दामन को फैलाना वो उसको बहुत ज़्यादा महबूब है इंसान की फितरत के अंदर गुना रखा गया है आग हवा मट्टी पानी ये इन चार चीज़ों का मरक्ब है इसके जो अनासर हैं उसमें कभी एतदाल क़ायम नहीं रहता और इससे गुनाह सरजद हो जाते हैं गुनाह करने के बाद बंदे का उस गुनाह पे असरार करना अड़ जाना ज़िद करना तोबा ना करना अल्लाह को ये पसंद नहीं लेकिन अगर उससे गुनाह सरज़द हो जाए तो फिर वो तोबा कर ले तो अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है जो उससे हो सके नेकी वो अल्लाह के हरूर पेश करे लेकिन उसके अंदर जो शर रखी गई है उसके अंदर जो अवतें गुनाह की रखी गई हैं उससे अगर उससे गुना सरजद हो जाए तो फिर वह अल्लाह से तोबा करे अल्लाह की तरफ रुझू करे तो अल्लाह उसकी तोबा को न सिर्फ कबूल करता है बल्कि उसके गुनाहों को माफ करता है और गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है जब गुनाह नेकियों में तब्दील हो गए तो जितना बड़ा गुनाहगार था उतना बड़ा नेकोकार हो गया हजरत सैद नमर रजी अल्लाह तो बाजार में जा रहे थे तो एक शराबी ने हाथ में बोतल पकड़ी थी शराब की तो हजरत उमर हाथ में दुर् रखते थे और आपका जाहो जलाल दीदनी होता तो जू ही हज़रत उम्र अदी अल्लाह तनों को उसने देखा तो डर गया और दिल ही दिल में कहा ए अल्लाह आज उमर के कहर से बचा ले मैं तेरी बारगाह में सच्ची तोबा करता हूं और जल्दी से शराब को बगल में छुपा लिया इतने में हजरत उमर सर पर पहुंच गए और गरज कर कड़क के कहा कि ये तेरी बगल में क्या है क्योंकि उसको बोतल छुपाते देखा था तो वो डर गया और डरते डरते कहने लगा हजरत ये सिरका है अब थी तो शराब लेकिन डरते हुए बोला हजरत सिरका है तो हजरत उमर ने कहा निकाल जब निकाला तो शराब नहीं थी वाकई सिरका बन चुका था तो जब अल्लाह के हुजूर कोई तोबा करता है अल्लाह उसके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है हदीस पाक में आता है कि क़्यामत के दिन अल्लाह एक शख़्स को कहेगा कि अपना नामा आया आमाल पढ़ तो वह नामा अमाल पढ़ने लग जाएगा तो नाम आमाल के अंदर छोटे गुनाह भी होंगे बड़े गुनाह भी होंगे तो अल्लाह से हया करते हुए शर्म करते हुए वो बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ता जाएगा और छोटे छोटे गुनाहों को पढ़ता रहेगा जब वो सारे गुनाह पढ़ चुकेगा और किताब खत्म होगी तो अल्लाह ताला उसे फरमाएगा मेरे बंदे तूने ये जितने गुनाह पढ़े हैं मैंने सब को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया तो बंदा कहेगा अल्लाह अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह रहते हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं फाह कन् नबी हत्ता हत् बदत अनयाब हुजूर जब ये बयान फरमा रहे थे तो हुजूर इतना मुस्कराए इतना मुस्कराए कि सहाबा ने हुजूर की दाड़ें देख ली तो पहले वो बड़े बड़े गुनाह छोड़े जा रहा था लेकिन जब अल्लाह फरमाएगा कि मैं तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया तो वो कहेगा अभी तो बड़े बड़े गुनाह रहते जो मैंने अभी पढ़े ही नहीं तो जब कोई बंदा उसके हुजूर तौबा करता है अल्लाह ये नहीं देखता इसने गुनाह कितने किए हैं ये देखता है बंदा आया मेरी चौखट पर है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है अल्लाह अकबर मेरे और आपके अको मौला ने अल्लाह के हुजूर तौबा करने और उस पर अल्लाह की खुशी और अल्लाह की खुशनुदी का जिक्र करते हुए एक मिसाल बयान फरमाई कि एक शख्स हरा में सफर कर रहा था तो वो एक दरख्त के नीचे दोपहर काटने के लिए सस्ताने के लिए रुक गया और दरख्त के साथ अपने ऊंट को बांध दिया और खुद लेट गया ताकि दोपहर काट लूँ थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने क्या देखा कि ऊंट माँ साजो सामान के साथ गायब है अब सहरा में ऊंट का गुम हो जाना गोया जिंदगी चले जाने के मुतरद है तो उसने दाए बाएं भाग दौड़ के देखा कि कहीं ऊँट का निशान मिल जाए लेकिन ऊँट का निशान नहीं मिला ता हद नज़र कोई इंसानी आबादी नहीं वो भागा और थक हार के दोबारा उसी दरख्त के नीचे बैठ गया और प्यास से हल्कान हुआ जा रहा था और दरख्त के साथ टेक लगा के लेट गया और मौत का इंतज़ार करने लगा जिन लोगों ने सहरा का सफ़र किया है उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि कई कई सौ मील तक इंसानी आबादी ही नहीं अब ना कुछ खाने के लिए बचा ना कुछ पीने के लिए बचा ऊँट भी गायब हो गया तोशा भी साथ ही चला गया तो अब ज़ाहर है सीधी सीधी मौत ही नजर आ रही है तो वो उस दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ जाता है और मौत का मंतज़र होता है थोड़ी देर के बाद फिर उसकी दोबारा आँख लग जाती है जब दोबारा आँख लगती है तो थोड़ी देर बाद फिर आँख खुलती है जब दोबारा आँख खुलती है तो देखता है कि ऊँट जो गुमा था माँ साजो सामान के उसके पास खड़ा है तो सेहरा में इस हालत में ऊँट का मिल जाना ज़िंदगी मिल जाने के मुतरदफ है तो वह इतना खुश हुआ वो इतना खुश हुआ कि खुशी की इंतहा ना रही बल्कि मुसरतों के हजूम में दरक गया और कहने क्या लगा अल्ला अंता अब दी व आना रबो का अः अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब कहना तो ये था कि तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा लेकिन मुसरतों का हजूम ही इतना था खुशियों का हजूम ही इतना था कि जुबान पर काबू ना रहा किसी के आने से ऐसे होश उड़े साकी के शराब सीख पर डाली और बोतल में कबाब कहना यह था अल्लाह अंता रबी व आना अब दो का लेकिन इस कदर खुश हुआ जब भी तेरी तेरीबत के इमकान नजर आए हम इतने खुश हुए कि परेशान नजर आए तो कहना यह था कि अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा लेकिन खुशियों के हजूम में वो कहता है अल्लाह दी वह अना रबों का तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हजूर ये बात बयान करने के बाद सहाबा से पूछते हैं कि जरा बताओ उस बंदे को कितनी खुशी हुई कि खुशी में जुबान भी काबू ना रही और अपने आप पर कंट्रोल ना रहा और खुशियों के हजूम में उसे यह भी पता नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रहा है तो सहाबा ने हजूर बहुत ज्यादा उसे खुशी हुई तो मेरे हजूर ने यह बात करने के बाद इर्शाद फरमाया जिस तरह उसको गुमा हुआ ऊंट मिला और उसकी खुशी की इंतहा न रही तो फरमाया जब कोई शख्स तोहबा करता है और अल्लाह की हजूर पलट के आता है गुनाहों से माफी मांग के उसकी दहलीस पर आता है मेरे हजूर ने फरमाया अल्लाह इससे भी ज्यादा खुश होता है कि मेरा बंदा मेरी चौखट पर आ गया तो वह यह चाहता नहीं कि अपने बंदों को अजाब दू वो खुद आग में छलांगे लगाए तो उसकी मर्जी अगर गुनाह सरजद भी हो गया है तो कोई बात नहीं माफी मांग लीजिए